હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાતા ગરમીમાં રાહત મળશે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આગામી 24 ફેબ્રુઆરીથી પવનની દિશા બદલાતા રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધશે. ઉપરાંત આજે અને આવતીકાલે રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. अभी गुजरात से देखा जाए, हम ड्राइवर का एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट फ्राइडेज के लिए, और जहाँ तक मिनिमम टेम्परेचर की बात है और मैक्सिमम भी नॉला चेंज एक्सपेक्ट करें, फिर भी 24 के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्ब का इफेक्ट हो गया, उसके वजह से शायद 25 में थोड़ा मैक्सिमम राइस होने का चांसेस है, बट आज हमने नॉला चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वार्निंग से कुछ नहीं अभी आज सर. अमरेली उसी 36% के आसपास आ रहा है. बाकी गुजरात जिन देखा जाए बहुत सारे जगह पे कल 2 से 3 डिग्री फॉल हो चुके हैं, बिकॉज हमारे विंड पैटर्न में वेस्टर्ली हो रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, इसके भी ज़्यादा कुछ नहीं है. मैक्सिमम का भी वार्निंग लेवल पे कुछ नहीं है अभी. क्लाउड बारिश का क्लाउड नहीं है, मॉइस्चर आ रहा है, इसलिए हाई क्लाउड बन रहा है, कोई बारिश का चांस नहीं है इस क्लाउड से. ऐसे में उनको मॉर्निंग में क्लाउड दिखे, दोपहर में थोड़ा कम हो जाएंगे, बट ये तो मॉइस्चर आ रहा है, वेस्टर्ली विंड आ रहा है, उसकी वजह से क्लाउड आ रहा है.